क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून है जी। हारून जी, कितने दिन में आप इन जो पुतले हैं इनको तैयार करते हैं? एक महीने से 25 दिन तक लग जाते हैं। महीने से 25। दो बार से शायद आपने ये कार्य नहीं चला है जी, तो इस बार कितने दिन लगे इनको तैयार करने में? आपके ज़्यादा क्योंकि परमिशन की बात होती है, कमेटी को परमिशन नहीं मिली, थोड़ी लेट परमिशन मिली तो लेट काम शुरू करा। हमने 20 दिन पहले शुरू करा था काम। अच्छा, एक बात बताएं कि जो रावण है उनको लेकर आपके अंदर कोई आस्था होती है ऐसी? हाँ, कलाकार की आस्था होती है। हम आर्टिस्ट हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी आर्ट हमेशा कायम रहे, हम अपनी आर्ट का प्रदर्शन करें ताकि हमें आगे कोई भविष्य में हमारे बच्चे भी हम भी इस आर्ट को कायम रखें। मुस्लिम समाज की तरफ से कोई ऐसा विरोध तो नहीं होता कि भाई आप मुस्लिम होकर हिंदू समाज के जो रावण है या कलाकृति आप बना रहे हो उस पर विरोध तो नहीं करते? नहीं, कोई विरोध नहीं करता क्योंकि हमारा रोजगार भी है, ये हमारा कारोबार भी है। अब हम कारोबार नहीं करेंगे और भी लोग हमसे जो जुड़े हुए हैं वो हम मुस्लिम भी हैं लेकिन हमसे जो हमारे कारीगर हैं वो हिंदू भी हैं। हमारे पास कितना समय से आप कर रहे हैं? हम तो बचपन से ही कर रहे हैं, तो दादा के टाइम से कर रहे हैं। कितने साल हो गए लगभग? लगभग हमें 30 साल तो हो गए। दादा के टाइम से हम इसे कर रहे हैं, पिताजी के टाइम में करा हमने, दादा के टाइम में करा, वो दोनों एक्सपायर हो गए तब हम कर रहे हैं। 10 साल से तो मैं ही बना रहा हूँ अकेला। यहाँ परिवार की तरफ से कोई विरोध वगैरह नहीं होता? नहीं, परिवार की तरफ से नहीं होता कोई विरोध। अरुण जी, जैसे बताया जाता है कि जब रावण के पुतले को मतलब आग दी जाती है, दहन किया जाता है, तो आप लोग वहाँ पर रुकते हैं या नहीं रुकते? हाँ, हम वहीं रहते हैं जी। अच्छा, ग्राउंड पे रहते हैं। आपका क्या काम होता है उस समय? हमारे पटाखे जो होते हैं उसमें जो लगे हुए होते हैं वो पटाखे वगैरह भी देखते हैं हम, तो कोई इधर को नहीं बग रहा, उधर नहीं बग रहा, कैसा है, तो वहाँ पर सारी वो देखनी पड़ती है हमें। किस तरीके की मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है उसे बनाने में? हमें 20 दिन का टाइम, 25 दिन का टाइम भी लग जाता है, और बड़े बनाते हैं तो और ज़्यादा बड़ा टाइम लगता है, महीना डेढ़ महीना भी लग जाता है। कोरोना जैसी महामारी इस पर बहुत असर पड़ा जी, काम ही नहीं है। हम पहले 2-3 जगह का बना भी देते थे, कई जगह के हम पे ठेके होते थे, अब कहीं है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अलावा हम पर कोई काम नहीं है। पिछले वर्ष तो आपका ऐसे कैसे रहा? पिछले वर्ष नहीं बना, उससे पिछले वर्ष नहीं बना। वो पूजा के लिए एक छोटा सा 5-7 फुट का हमने फूस का बनाया था, तो कमेटी वालों ने हमें बुलाया, वो जब टेम्परेली हमने बना के रख दिया। हरीश, कितनी उम्र है तुम्हारी और ये जो काम करते हो कितने समय से करते आ रहे हो? ये मेरी उम्र है 21 साल, और लगभग पापा के टाइम से, हमारे दादा के टाइम से ये काम हो रहा है। दादा हमारे यही काम करते थे, और हमारे पापा हैं वो भी यही काम करते हैं, अभी हम पापा के साथ ही हैं, अब देखते हैं आगे भी करते रहेंगे। कितने ये पुतले तैयार किए गए हैं और इस बार रावण की कितनी ऊंचाई है? किस किस के पुतले तैयार किए गए जी? 3 पुतले तैयार किए गए हैं अभी फिलहाल, एक मेघनाथ, एक रावण और एक उनका नाम कुंभकर्ण जी। क्या हाइट रखी गई है इस बार जी? लगभग कोरोना काल के चलते हुए अब की बार हाइट थोड़ा कम है, 35 फीट के लगभग है। कोरोना की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जी? किस तरीके की दिक्कत सामना करना पड़ रहा है जी? हमारे पास हर बार काफ़ी जगह के ऑर्डर्स रहते थे, बट अब की बार एक ही यहीं का ही है, कोरोना की वजह से हमें ये दिक्कत हुई, काफ़ी हमारा काम बहुत कम हो गया।